नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। 11वीं में नामांकन के लिए जरूरी सूचना। बिहार की दो छात्राओं का नारी शक्ति योजना के तहत यूपीएससी में चयन। रामनवमी के मौके पर बिहार के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मनीष कश्यप का वीडियो हुआ वायरल। रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत को लेकर जताई ये इच्छा। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11वीं में नामांकन के लिए जरूरी सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से शिक्षण संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं, उनके लिए बोर्ड के द्वारा आवश्यक सूचना दी गई है। बताया गया है कि वेबसाइट ofssbihar.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। और आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। 20 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं दाखिला करने से पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ने की सलाह विद्यार्थियों को दी जाती है। ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा करने से ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने पूरे राज्य में सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। इधर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर बिहार के राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है कि रामनवमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हमें जन कल्याण, प्रेम, करुणा और त्याग पर चलने की प्रेरणा देता है। सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों की जून में होगी काउंसलिंग। बिहार सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जून के महीने में होगी। इन शिक्षकों को उनके आवंटित जिले के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद आचार संहिता लागू हो चुका और इसे लेकर शिक्षकों की काउंसलिंग का मामला अटक गया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन आचार संहिता के बारे में कहा गया निर्वाचन आयोग की ओर से। वहीं चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हो जाने के बाद शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। बिहार की दो छात्राओं का नारी शक्ति योजना के तहत यूपीएससी में चयन। बिहार की दो छात्राओं का मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत यूपीएससी में चयन किया गया है। दोनों ही छात्राएं पटना की रहने वाली है। इसमें दीप्ति मोहाली को 184वां रैंक हासिल हुआ है। वहीं कृति कामना को 717 रैंक हासिल हुआ। मालूम हो कि दीप्ति का सामान्य वर्ग से जबकि कृति का पिछड़ा वर्ग से चयन किया गया है। इन्हें मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1,00,000 और बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए तक दिए जाते हैं। निबंधन विभाग ने कई संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। निबंधन विभाग ने कई संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड के 1.5 दर्जन संस्थाओं का निबंधन रद्द किया है। इसमें पटना स्थित बिहार नेशनल कॉलेज सहित 18 संस्थाएं शामिल है। बताया जाता है कि संस्थाओं के द्वारा वार्षिक और ऑडिट रिपोर्ट को जारी नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। विभाग के द्वारा इससे संबंधित नोटिस को भी जारी किया गया और कहा गया है कि इन संस्थाओं की ओर से कोई क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है, साथ ही संप्रति अस्तित्वहीन है। मालूम हो कि जिन संस्थाओं का निबंधन रद्द हो चुका है वो कोई भी बैंक खातों का संचालन नहीं कर सकेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होने वाला है और उसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। मालूम हो कि पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। इसमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई शामिल है। इन 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गया से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, नवादा से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, जमुई से अरुण भारती, अर्चना रविदास के भाग्य का फैसला 19 तारीख को होने वाला है। और आज सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है।
रामनवमी के मौके पर बिहार के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। रामनवमी के मौके पर बिहार के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अलग अलग मंदिरों में लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर से लेकर गांवों तक महावीर के पताकों से पट चुके हैं। पटना का बेली रोड हो या फिर डाक बंगला चौराहा, महावीर के पताकों से पटा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग हनुमान मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की कतार रात के 2:30 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। पूरा परिसर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है। वहीं कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां भक्त रात के 10 बजे से ही मंदिरों में लाइन लगा रहे थे। पटना के महावीर मंदिर में इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक भक्तों के आने की संभावना जताई गई है और उसे देखते हुए 25,000 किलो का नैवेद्य प्रसाद तैयार किया गया है। गया में लोकसभा चुनाव के दौरान आधी आबादी संभालेगी कंट्रोल रूम की कमान। गया में पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनाव को लेकर यहां सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। गया में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से महिला अधिकारी और कर्मियों के हवाले किया जा रहा है। ये लोगों को जानकारी देने के साथ ही शिकायतों का भी निपटारा करेगी। जानकारी के अनुसार पहली बार कंट्रोल रूम पूरी तरह से महिला कर्मियों को दी गई है। वहीं इससे पहले जिलाधिकारी ने खुद बैठकर सभी तरह के कार्यों की जानकारी ली। मालूम हो कि यहां 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली से आए शख्स ने लालटेन का खूब प्रचार प्रसार किया है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने राजद पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही कहा था कि राजद आधुनिक युग में प्रवेश नहीं कर सकता है, लालटेन से तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकता। और उसके बाद पहले तेजस्वी यादव और अब लालू यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोबाइल तो कमल से भी चार्ज नहीं हो सकता है। इधर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि गुजरात वाले एक शख्स दिल्ली से बिहार आए और उन्होंने लालटेन का खूब प्रचार किया। पप्पू यादव ने जीत के बाद भ्रष्टाचार खत्म करने का किया दावा। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने जीत के बाद निजी और सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर वो 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर देते हैं तो वो 4 महीने में इस्तीफा दे देंगे और फिर कभी राजनीति में नहीं आएंगे। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद उनके भाषण पर भी कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीमांचल में प्रधानमंत्री ने कई बातें की है लेकिन बाढ़ पर उन्होंने कोई बात नहीं की। विशेष राज्य का दर्जा और फैक्ट्री पर भी प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की है। पवन सिंह ने काराकाट की मिट्टी की चंदन से की तुलना। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पवन सिंह काराकाट की सेवा करने का अधिकार मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि विकास मेरा कर्म है और सेवा मेरा धर्म है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की मिट्टी को चंदन समझ के हमने अपने माथे पर लगा लिया है और आप सब भी हमें अपना बना ले, हमने आपको अपना बना लिया है। मालूम हो कि इससे पहले पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं अब उन्होंने लोगों से चुनाव में जीत दिलाने को लेकर अपील की है। मनीष कश्यप का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी आधी अधूरी लव स्टोरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो कॉलेज में कई विषयों में फेल हो गए थे और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद किया करते थे लेकिन जेब में पैसे नहीं होने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। मालूम हो कि हाल ही में मनीष कश्यप अपने पश्चिमी चंपारण की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। वहीं कुछ महिलाओं के द्वारा उन्हें दूध से नहलाने वाला वीडियो भी सामने आया था। दूसरे चरण के उम्मीदवारों में सबसे अमीर भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा। दूसरे चरण में 5 सीटों पर 50 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से सबसे अमीर भागलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं। इन्होंने अपनी 54,51,51,000 रुपए की संपत्ति को सार्वजनिक किया है। दूसरी ओर पीपीआई के मरंग हसदा सबसे गरीब प्रत्याशी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर कटिहार से तारिक अनवर है।
इनकी संपत्ति 19,60,57,000 रुपए है। तीसरे नंबर पर 15,96,75,000 रुपए के साथ कांग्रेस के तारिक अनवर है। और सबसे कम संपत्ति कटिहार के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी मरंग हसदा की है। इनके पास मात्र 8,878 रुपए की संपत्ति है। और इधर पूर्णिया के बसपा प्रत्याशी अरुण दास की संपत्ति 25,000 रुपए और किशनगंज के स्वतंत्र प्रत्याशी मोहम्मद गुफरान जमाली की संपत्ति 52,000 रुपए है। महागठबंधन ने गोपालगंज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। महागठबंधन ने गोपालगंज की सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। मालूम हो कि महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे में ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को गई है। गोपालगंज की सीट से मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। यहां से मुकेश सहनी ने चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं झंझारपुर की सीट से सुमन महासेठ को मुकेश सहनी ने मौका दिया था। इधर मोतिहारी की लोकसभा सीट पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। गोपालगंज में सुदामा मांझी के बेटे प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान की टक्कर एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से होने वाली है। रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत को लेकर जताई ये इच्छा। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत को लेकर एक इच्छा जताई है। इन्होंने कहा है कि वो ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा है कि वो ऋषभ पंत को न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठा हुआ देखना चाहते हैं। मालूम हो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की है। इस कारण रिकी पॉन्टिंग इन्हें आगामी T20 विश्व कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। पॉन्टिंग ने कहा है कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं था कि साल 2022 में हुए भीषण दुर्घटना के बाद पंत मैदान में दोबारा वापसी करेंगे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की है। रिकी पॉन्टिंग के ऋषभ पंत को लेकर दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, श्रवण कुमार, पवन सिंह, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, संघर्ष कुमार, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, संजय कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, बिहार में होने वाले 4 चरणों में लोकसभा चुनाव में आप कौन से चरण में मतदान करेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।